हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत कर रहे हैं। अरे अभी एक जुटता की बात हो रही है, बाकी सब बात लोग तय करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। भाजपा के लोग जो स्वप्न देख रहे हैं तो उस स्वप्न में यही ना बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे। जो देश के गृह मंत्री जी हैं उन अब प्रधानमंत्री जी वो बिलबिला रहे हैं। नकली खाल अम्बेडकर का ओढ़ने से वो अम्बेडकराइज्ड हो जाएंगे। नीतीश कुमार में भी सभी जो चाहिए गुण वो सब मौजूद है उनमें भी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली यात्रा पे विपक्ष को एकजुट करने की बात कही जा रही है। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको उन्होंने बातचीत भी की है। दिल्ली में राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले और विपक्षी एकता की बात हो रही है। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, कैसे देख रहे हैं? जो देश के हालात हैं, जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें ठीक है, बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री के विपक्षी एकता को लेकर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि दिल्ली में कब्जा करने का सपना ना देखे मुख्यमंत्री, 2024 से पहले जो है ताश के महल जैसा इनका भड़बड़ा के जो है महागठबंधन सरकार गिर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, सपना ना देखे। भाजपा के लोग जो स्वप्न देख रहे हैं तो उस स्वप्न में यही ना बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे है? और जो विपक्षी दल के लोग जो माननीय लालू यादव जी की प्रेरणा से, सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से जो नीतीश कुमार जी सब जगह मिले हैं और विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तेजस्वी यादव जी हैं उसमें लगे हैं, इनको हम हृदय से कोटि कोटि बिहार की जनता की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इनको धन्यवाद देते हैं। जिस काम में लगे हैं उसको और आगे देश हित में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आवश्यक है वो। क्या लग रहा है विपक्ष जो है एकजुट हो पाएगी? क्यों नहीं होगी, हो रहा है, इसीलिए तो खलबली है लोगों के मन में, बेचैनी है, बिलबिला रहे हैं लोग। अब विजय सिन्हा कह रहे हैं उदय जी कि आप ही उन्हीं के सहयोगी दल के नेता सदन में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ना हमको CM बनना है ना उनको PM बनना है, तो किसके बलबूते उछल उछल कर दिल्ली जाते हैं? बिहार तो बच नहीं और कूद कूद के दिल्ली जा रहे हैं, किसके बलबूते? बिहार की जनता के बलबूते, बिहार की जनता का जो समर्थन है उसके बलबूते। भुला गए, बिलबिला रहे हैं लोग। जो देश के गृह मंत्री जी हैं उन अब प्रधानमंत्री जी वो बिलबिला रहे हैं अभी। चेहरा जो है विपक्ष की तरफ से कौन होगा, क्या लगता है उदय जी आपको चेहरा कौन होगा? हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत कर रहे हैं। अरे अभी एक जुटता की बात हो रही है, बाकी सब बात लोग तय करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा है, किसी त्यागी ने ऑफर किया है चिराग पासवान को महागठबंधन के लिए? ये जो भी विपक्ष में हैं, जो आना चाहते हैं उनको ये लोग, विपक्ष के जो हमारे नेता लोग हैं वो लोग देखेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कि सबको लेना है, ये तो वही लोग ना तय करेंगे, इसमें राज में थोड़े तय होगा। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं उदय जी कि दिल्ली घूमने से कुछ नहीं होगा, भाजपा जो है कमल खिलाएगी बिहार में, दिल्ली घूमने से कुछ होगा? दिन में स्वप्न देख रहे हैं, मतलब क्या जो है कमल खिलाने का जो दावा किया जा रहा है एक बार फिर से उसी का स्वप्न देख रहे हैं ना? पता ना चल गया पूर्णिया के रैली में कि रैली में पूर्णिया था कि पूर्णिया में रैली थी, आ एक तरफ उनका रैली जो सब जगह हो रहा है पता चल रहा है, इसीलिए ना बिलबिला हट है, छटपटा हट है। अंबेडकर का जयंती भी मना रहे हैं भाजपा। हाँ तो नकली खाल ओढ़ने से थोड़े उनका चेहरा साफ हो जाएगा, नकली खाल अंबेडकर का ओढ़ने से वो अंबेडकराइज्ड हो जाएंगे। नकली खाल है जैसे सियार बाघ का खाल ओढ़ करके जंगल में घूम रहा था तो धरा गया तो पड़ गया फेरी में, वैसे ही हाल होगा। और देश की जनता, देश के नौजवान, दलित, पिछड़े जो हैं, आदिवासी, सब लोग जग चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि 2024 में जो PM का चेहरा हो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो? अभी फिर आपको कहा
हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत कर रहे हैं आप? जदयू के लोग तो उनको चेहरा बताएंगे। हंसुआ के बिहार में खुरपी का गीत न मत करिए, अभी देखते चलिए। अगर होंगे ही तो नीतीश कुमार में कौन सा गुण है कि नहीं हो सकते हैं अवगुण? नीतीश कुमार में भी सभी जो गुण चाहिए गुण वो सब मौजूद है उनमें भी, लेकिन क्या होगा ये तो तय समय पर होगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो सभी गुण जो है नीतीश कुमार में है जो एक प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में होना चाहिए, और लेकिन जो वक्त है वो आपको सब कुछ बता देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी सस्ती के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।